है आज वोडाफोन आइडिया के बर्थडे की। कुशल हमारे साथ तैयार है, बता रहे हैं, कुशल बताइए। बिल्कुल सर, आप देखिए यहाँ पर यूएई की जो कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी एटेसलाट ग्रुप, उन्होंने वोडाफोन पीएलसी जो इनकी ब्रिटिश टेलीकॉम को प्रमोटर है उसमें 9.8% हिस्सेदारी खरीदकर सबसे बड़ी शेयर होल्डर वहां पर बन चुकी है। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट काफी सिग्निफिकेंट रहा है, $440 करोड़ यहाँ पर अगर आप देखें तो ये निवेश कंपनी करती हुई नजर आई है। और इनका क्लियर कट यही एजेंडा है कि ग्लोबल स्तर पर ये एक बड़ी टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी कंपनी बनने वाली है और आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी और पकड़ ये मजबूत करने की उम्मीद है। तो जाहिर सी बात है कि जो ग्रुप को प्रमोटर है, अगर इंडिया का एक्सपेंशन भी अगर इनको करना है तो जहां पर वोडाफोन पीएलसी का जो स्टेक है वो हो सकता है वोडाफोन आइडिया में जो को प्रमोटर है वहां पर ये फर्दर और स्टेक खरीदते हुए नजर आए। तो यहां पर वोडाफोन आइडिया के लिए काफी बड़ी पॉजिटिव खबर ये बन सकती है। इनफैक्ट कनेक्शन वाइज आप देखिए पिछले महीने ही वोडाफोन पीएलसी जो कि ब्रिटिश टेलीकॉम इनकी पेरेंट कंपनी है उन्होंने हिस्सेदारी अपनी बढ़ाकर 44.39% से 47.6% कर दी थी। और मार्च में ही कंपनी ने अनाउंस कर दिया था कि हम 14,500 करोड़ रुपए की फंडिंग कराएंगे जिसमें 4,500 करोड़ जो है वो को प्रमोटर यही वोडाफोन पीएलसी से आने वाले हैं और वो आ चुका है और स्टेक भी बढ़ गया है। तो फर्दर ये जो स्टेक है अगर एटेसलाट इंडिया का बिजनेस में भी एंट्री लेना चाहती है तो इनके लिए काफी अच्छा मौका है। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी एटेसलाट ने वोडाफोन पीएलसी में लिया, हाँ, बाहर वाली कंपनी में हम खुशी खुशी में भाग रहे हैं। नहीं वैसा नहीं है सर, बट लार्जली जो कनेक्ट है ना वो हो सकता है कि यहाँ पर वोडाफोन पीएलसी का जो स्टेक है क्योंकि इधर इनका आइडिया क्लियर है एकदम एटेसलाट का कि उनको ग्लोबल स्केल पे एक्सपैंड करना है, एटेसलाट को ग्लोबल लेवल पर जाना है। तो वो वोडाफोन पीएलसी में स्टेक खरीद रहा है। अब हमारे क्या फर्क पड़ेगा या वोडाफोन आइडिया पे? यहाँ पे फर्क ये पड़ेगा कि वोडाफोन पीएलसी का जो 47.6% स्टेक है जी वोडाफोन आइडिया में, राइट, वो ये हो सकता है कि एटेसलाट इंडिया में अगर एक्सपैंड करना चाहे तो उनका स्टेक ले सकती है क्योंकि ऑलरेडी 10% स्टेक वो वहाँ पे ले रही है। अच्छा, तो एटेसलाट हो सकता है इंडियन कंपनी में स्टेक ले, हाँ, या फिर वोडाफोन पीएलसी के थ्रू इनडायरेक्ट स्टेक ले, करेक्ट, ये भी तो है, ये भी हो सकता है। वोडाफोन पीएलसी का स्टेक तो है ही है यहाँ 100%। अच्छा, तो मतलब एटेसलाट के नाम पर वोडाफोन आइडिया खुश हो रहा है,